नमस्कार दोस्तों, डियर मैथमेटिशियन आपका स्वागत है। आज का जो क्वेश्चन है वो क्लास टेंथ के मैथ्स के एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 है और चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यानी कि क्वेश्चन में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 में कि इन ट्राइंगल ए बी सी, तो यहाँ पर जो है हम एक ट्राइंगल ए बी सी बनाए हैं, राइट एंगलेड एट बी, मतलब बी पर जो है 90 डिग्री का जो है एंगल बनाता है। अब सर आगे देखिए, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, इस ट्राइंगल ए बी सी में जो है ए बी कितना है तो 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर कितना है तो 7 सेंटीमीटर। तब जो है हम लोग को डिटरमाइन करना होगा एक में साइन ए कॉस ए और दो में जो है साइन सी कॉस सी। तो चलिए डिटरमाइन करते हैं। अब देखिए अगर हम बात करें इसी क्वेश्चन के लिए कि साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो साइन थीटा रहे चाहे साइन ए रहे चाहे साइन सी रहे, तो इसके लिए जो है फॉर्मूला एक ही होगा, वो होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। चाहे कॉस ए रहे, कॉस के लिए बात करें तो चाहे कॉस ए रहे, कॉस बी रहे, कॉस सी रहे, कॉस डी रहे, जो भी एंगल रहे, कॉस का फॉर्मूला बस एक ही होगा, बेस बाय हाइपोटेनियस। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। यहाँ देखिए वन वन में क्या है तो साइन ए है, तो यहाँ देखिए साइन ए निकालना है हमें। अब देखिए इस एंगल का जो है सामने वाला साइड कौन सा है, तो ये है और यही जो है क्या होगा तो परपेंडिकुलर होगा, मतलब इस एंगल के लिए जो है ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। तो अगर हम साइन ए बराबर लिखिए तो क्या होगा, तो परपेंडिकुलर बी सी बाय ए सी, क्योंकि हम लोग को जो है इस एंगल के लिए साइन का वैल्यू चाहिए, तो इसीलिए जो है इस एंगल के लिए जो है परपेंडिकुलर कौन होगा तो ये बी सी होगा और हाइपोटेनियस ये ए सी होगा। तो यहाँ देखिए बी सी हमें कितना दिया गया है तो 7 सेंटीमीटर दिया गया है, लेकिन हमें ए सी नहीं दिया गया है, तो ए सी जो है निकालना होगा। तो ए सी जो है हम लोग निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा के। यहाँ देखिए ए सी जो है निकालेंगे कैसे, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो जैसे कि ये ट्रायंगल जो है, फॉर एग्जांपल ये ट्रायंगल जो है क्या है तो रेक्टेंगुलर ट्रायंगल है, इसीलिए जो है इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम जो है लगा सकते हैं। सो अगर हम लिखें यहाँ पर कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो ये जो है किसके इक्वल होगा, तो ए सी स्क्वायर के इक्वल होगा। ये किसके अनुसार है, तो ये जो है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार है। अब यहाँ देखिए अगर हम लिखें कि ए सी बराबर तो क्या होगा, तो अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यहाँ देखिए अंडर रूट ए बी का वैल्यू कितना है, तो ए बी का वैल्यू है 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस बी सी का वैल्यू कितना है, तो बी सी का वैल्यू है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहाँ देखिए अंडर रूट 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर क्या होगा, तो 576 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना होगा, तो 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ देखिए अंडर रूट जब हम लोग इन दोनों का सम करेंगे तो आएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ देखिए 625 का जो स्क्वायर रूट आता है वो कितना आता है, तो 25, और सेंटीमीटर स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट आएगा वो कितना आएगा, तो सेंटीमीटर आएगा। तो हमें जो है ए सी का वैल्यू मिल गया है और वो कितना, तो 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर कहते हैं 25 सेंटीमीटर। अब देखिए ये बी सी कितना है, तो बी सी जो है 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर जो है रख देंगे 7 सेंटीमीटर बाय ए सी कितना है, तो 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर यहाँ से सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, तो 7 बाय 25 जो है किसका वैल्यू आएगा, तो साइन ए का वैल्यू होगा। जैसे कि ये रेशियोज है तो रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है, इसलिए जो है इसका यूनिट कट गया है। अब इसके बाद जो है हम लोग कॉस ए का वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ देखिए कॉस ए बराबर क्या होगा, तो कॉस ए के लिए जो है इस एंगल ए का जो बेस है वो क्या है, तो ये है 24 है और हाइपोटेनियस क्या है, तो ये ए सी है, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस ए इक्वल टू ए बी बाई ए सी। ए बी क्या है, तो बेस है इस एंगल के लिए, तो क्या होगा 24 सेंटीमीटर बेस बाय ए सी क्या है, तो हाइपोटेनियस, तो यहाँ पर लिखेंगे 25 सेंटीमीटर और ये कट गया 24 बाय 25, तो ये जो है किसका वैल्यू आ गया, तो ये जो है कॉस ए का वैल्यू आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें पहले साइन सी का वैल्यू निकालना होगा, तो साइन सी बराबर देखिए क्या होगा, इस सी के लिए जो है इस एंगल सी के लिए जो है परपेंडिकुलर कौन होगा, अब तो ये ए बी होगा परपेंडिकुलर और ये बी सी बेस होगा और ये ए सी क्या होगा, तो हाइपोटेनियस होगा। तो साइन सी के लिए जो है ये परपेंडिकुलर है, तो क्या होगा ए बी बाय हाइपोटेनियस क्या होगा, तो ए सी, और ए बी कितना है, तो ए बी 24 है, तो 24
सेंटीमीटर बाय एसी कितना है, तो एसी जो है 25 सेंटीमीटर है, तो 25 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया और यहाँ पर आएगा 24/25। इसी के साथ देखिए कॉस सी का वैल्यू क्या होगा, कॉस सी बराबर होगा जैसे कि इस सी के लिए जो है ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है और ये जो है हाइपोटेन्यूस है, तो हम लोग लिखेंगे कॉस सी इक्वल टू बी सी बाय ए सी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कॉस सी लिखे या कॉस ए लिखे या कॉस थीटा लिखे, तो इसके लिए जो है क्या होता है फॉर्मूला, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूस, तो यहाँ पर जो है बेस क्या है तो बी सी है इस एंगल सी के लिए और हाइपोटेन्यूस क्या है तो ए सी है, तो बी सी कितना है, तो बी सी जो है 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर बाय हाइपोटेन्यूस कितना, तो 25 सेंटीमीटर, और ये कट जाएगा तो 7/25 क्या आ गया, तो कॉस सी का वैल्यू आ गया और ये जो है अपना आंसर आ गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जो है इस क्वेश्चन सॉल्यूशन बहुत ही अच्छा समझ आया होगा, तो अभी के लिए इतना ही, इस वीडियो को जैसा शेयर कीजिए और अभी से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, धन्यवाद।